हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज ए वीडियो बने निजकु नियति भावे धन्य मन करके मु आपणक पाखरे प्रभु श्री रामंकर किछि प्रश्न जोटा कि ओबियसली आगु कस्तबे एग्जाम में हेल्पफुल रहइबो। एंड ई सब जो फैक्ट या क्वेश्चन निहाती भावे आबाल बुद्ध नेता समस्त जानी रखिया दरकार। 500 वर्ष रे लड़ई रे काली या आम कही पार आज ही आपण मैंने वीडियो देखुं 22 तारीख जो दिन कि आम कही पार आम प्राण प्रतिष्ठा करा जाएगी। एंड या विषय आज आम डिटेल्स रे जानिबा मो सहित तो किसी समय रुहतु बहुत ही भल भल क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट जानवे। फास्ट जाणी रखु आमर जो रामलला करा जाएगी या रामंकर मूर्ति अयोध्या करा जाएगी ये हूँ आमर कौन ना निहाती भाव आपने समस्ते जानते शालग्राम पथर जो नेपाल गंडगिरी भरु आसी शालग्राम पथर आप जानी आम साक्षात नारायण भाव भावु तो ये कला पथर रे तैयारी व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू कार्व द मूर्ति ऑफ रामलला इन अयोध्या तो ये ब्लैक स्टोन जोटा आम कही पार नेपाल स्पेशल दीटी पथर आसी। एंड ये आम जी देखा भल से मन रखत रामलला 5 वर्षर एज रोटे मान आम कही पार जार मूर्तिर उच्चता 51 इंच रोड हाज बीन मेड यूजिंग डार्क कलर स्टोन जोटा शालग्राम ब्लैक स्टोन भाव कर श्री राम जी देखिए जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र या राम टेम्पल ट्रस्ट यार डिटेल्स एंड इमेज भी आपड़ देखते सुंदर आम जी देखा आम भव्य मूर्ति या सब जाना। एंड यही मूर्ति को ओबियसली को कारीगर वर्तमान टाइम रे विश्वकर्मा तो जानी रखत आगुरी करुले आम माइथोलोजी रे जानीचे हूज स्कल्पटेड द मूर्ति ऑफ रामलला केदारनाथ रे थिबा शंकराचार्य एंड आम कहपरिया सुभाष चंद्र बोस मूर्ति एंड फाइनाली आम रामलला मूर्ति ये हूँ अरुण योगीराज नाटा भल से मन रखत बहुत ही सुंदर ना सुंदर कारुकार्य अरुण योगीराज जी की 51 इंच रामलला आइडल को ओबियसली मूर्ति को तैयारी कर सकते। एंड ये राम मंदिर आमर जो आज प्राण प्रतिष्ठा हूँ तो ये मंदिर बाकी आउ तो स्कल्पचर से जमी कहली आमर आम शंकराचार्य केदारनाथ रे एंड आम कही पार सुभाष चंद्र बोस जो दिल्ली रे यही गुड़िक ये आम कही पार अरुण योगीराज ही आम कही पार कलाकृति एंड रामलला भी से निजे कर इन व्हाट फॉर्म इज लॉर्ड राम डेसिपेटेड इन द आइडल माने मूर्ति रे भगवान करो केउ रूप रो वर्णन कराई छे केउ रूप को स्थान दिया जाय छे केउ रूप रे प्राण प्रतिष्ठा होची तो भल से मन रखु 5 वर्ष रो ओल्ड चाइल्ड स्टैंडिंग 5 वर्ष रो आम जी देखा रामलला बहुत ही सुंदर मूर्ति 51 इंच टोटल आम कही पार उच्चता रोचे एंड 1.5 टन माने आम कही पार ओजन एंड द आइडल इज डिजाइन टू रिअसेंबल द डेसिपेट ऑफ राम इन रामचरित्र मानस एंड वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण आउ रामचरित मानस रे जो व्याख्या करा जायतिला ताकू नेई की फाइनल ड्रॉइंग तैयारी करके आर्किटेक्चर करके 5 वर्ष रामलला को आमर प्राण प्रतिष्ठा करा जाउची। नेक्स्ट वन व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द आइडल व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड टोटल मूर्ति उच्चता केते रही मूर्ति उच्चता सब मन रखु डायरेक्ट क्वेश्चन ने आसे 51 इंच 51 इंच रामलला देखा जो मूर्ति है ये टोटल 51 इंच रे रही देढ़ टन आम जी देखिले ये 5 वर्ष एज को डेसिपेट कर चारिपटे आम कही पार राम दश अवतार एपटे हनुमान गरुड़ एंड सूर्यदेव एंड बाकी आम कही पार जो सब रिलीजियस सिंबल अच्छी आपको भी कराई ए आर्क रे। नेक्स्ट वन इन व्हिच आर्किटेक्चरल स्टाइल द राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ड सब मंदिर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ही था तो से भितर आम जब देखा जावा तो ये जो आम मंदिर नागड़ा स्टाइल रही ओके नागड़ा आर्किटेक्चर जो थे आम कही पार आम भव्य मंदिर बर्तमान सुधा कम्प्लीट है माने फास्ट स्टोरी तीन महला विशिष्ट हम द टेम्पल आम जी देखिया चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा ही तैयारी कर 1988 डिजाइन अच्छी जोटा कि 2020 रे फाइनली इनिशिएट करा गला एंड जी देखिया 161 फुट टल
ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ମାର୍ବଲ ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ନା ଷ୍ଟିଲ ର ନା କୌଣସି ରଡ୍ ର ପୁରା ଫର୍ମାଟରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ନାଗଡ଼ା ଷ୍ଟାଇଲ ମନ୍ଦିର, ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି। ଆମେ କହିପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହିଁ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ବଟ୍ ୟା ପରଠୁ ଆପଣ ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ୱେବସାଇଟରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହାଉ ମେନି ପିଲାର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଅନ୍ ଇଚ୍ ଫ୍ଲୋର ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ, ଦେଖ ଏଇଟା ଇଚ୍ ଫ୍ଲୋର ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ଲୋରରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଟୋଟାଲ 392 ପିଲର ହବ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛି 3ଟା ଫ୍ଲୋର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ 160 ପିଲର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ 132 ପିଲର ରହିବ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର, ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର 74 ପିଲର ରହିବ। ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 392 ସ୍ତମ୍ଭ, ଯୋଉ ପିଲର ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ହେଉଥିବା ଦେବାଦେବୀ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି, ଓଡ଼ିଶାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ରାମ ଟେମ୍ପଲ, ଅଲରେଡି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ, ଇଏ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 161 ଫୁଟର, ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା 161 ମିଟର, ଯୋଉଥିରେ କି 76 ମିଟର ର ୱାଇଡ, 120 ମିଟର ର ଲମ୍ବ, 49 ମିଟର ର ଉଚ୍ଚତା। ଇଏ ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମ ଭାରତରେ ବନାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ତ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଆମେ କହିପାରିବା 161 ଫିଟ ର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖି ରଖିବା ଅଯୋଧ୍ୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଆସୁଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଅଛି, ଯଦି ବି ଜାଣିନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ସରାୟୁ, ସରାୟୁ ନଦୀ, ଇଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ୟେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ଚେଞ୍ଜ ନେମ୍ ଅଫ ଅଯୋଧ୍ୟା, କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ନାଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଥିଲା, ଅଯୋଧ୍ୟା ମାନେ ଓବିୟସଲି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନାଁ ଥିଲା ଫୈଜାବାଦ, ଇଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଫୈଜାବାଦ, ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 6 ନଭେମ୍ବର 2018 ଓକେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫୈଜାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ୟା ନାଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଫୈଜାବାଦ ଆଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଟୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଟି। 18 ଜାନୁଆରୀ 2019 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭ ଟୁ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଫ ରିନେମିଂ, ୟା ସହିତ ମୁଗଲ ସରାଇ ତହସିଲ ଇଣ୍ଟୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚନ୍ଦୁଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଫ୍ଟର ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଓକେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଗଲ ସରାଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସେଇ ଟାଇମରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କରାଗଲା। ଆହ୍ଲାବାଦକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2018 ଆହ୍ଲାବାଦକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କରାଗଲା ଆଣ୍ଡ ଫୈଜାବାଦ ଡିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଓକେ ଅକ୍ଟୋବର 23, 2021 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ନେମ୍, ଫୈଜାବାଦ ଜଙ୍କସନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା କ୍ୟାଣ୍ଟ, ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଜଙ୍କସନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିବା ଯୋଉଟା ମେଜର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏକ୍ସାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, କାନପୁରର ସ୍ପେଲିଂ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ବାରଣାସୀର ସ୍ପେଲିଂ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ଶିବନଗର ଟୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ନଗର କରାଗଲା ଆଣ୍ଡ କାନପୁର ଦେହତା ଟୁ ରାମବାଇ ନଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତା ସହିତ ମୁସ୍ତଫାବାଦକୁ ରାମପୁରରେ କନଭର୍ଟ କରାଗଲା ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ମେଜର ଆହ୍ଲାବାଦ ଯୋଉ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ କରାଗଲା, ଫୈଜାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଗଲସରାଇକୁ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନଗର ଆଣ୍ଡ ଫିରୋଜାବାଦକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରନଗର ଭାବରେ ରିନେମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଏଗୁଡା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ଓବିୟସଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ, ବଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଏପିକ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ଡ ରାମା ଆଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ କଥା ଆସି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ନୁ ଭଗବତ ଗୀତା ନୁ ୟା ସଂସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ନୁ, ଦ ଏପିକ୍ ରାମାୟଣ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ରାମଙ୍କର ମାନେ ଟୋଟାଲ ବନବାସଠୁ ନେଇକି ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାଲ୍ମିକ ରାମାୟଣରେ
mention koraichhi and sei tu hi ame koi pare character niya dechhi. What was the name of the structure demolished at the dispute site in 1992? Dekhantu kahi ki ete ame koi pariba highlight hela 500 barsha kahi ki lodila to ye huchi amar jani rakhantu ei jo mandir thila mandir jo area re heichi disputed area agur thila joti babir masjid okay जोटे की अयोध्या डिस्प्यूटेड आज पॉलिटिकल समस्त क्वेश्चन ना पॉलिटिकल एजेंडा रिलीजियस डिस्प्यूट तो बाबिर मस्जिद को 1992 6 डिसेंबर रे भलो से मन रखंतु सेतबेले शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थिले पीबी नरसिम्हा राव पीएम थिले कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश रो सीएम थिले 6 डिसेंबर 1992 रे जितेबेले आमे कोन करा जायतिला हिंदू डाइटी के आमे करो सेवक जो माने आपन सुनिथिबे बाबिर मस्जिद रो जो डोम गुड़ी को थिला ताकु पूर्ली नष्ट करी दिए थिला इट डील्स विद द यस ऑपरेशन ऑफ नो हिंदू बांग्लादेश इन डे ऑफ डिमोलिशन द मोस्ट लास्ट ऑफ सलमान रुशी ताकु छाड़ी दिया तो बाबिर मस्जिद 1992 6 डिसेंबर डिमोलिश करा गला सही जगह रे विवादीय जगह रे वर्तमान राम मंदिर रही छि एमंग द जजेस इन्वॉल्व इन प्रोनाउंसमेंट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट हु आर द 4 जजेस बिसाइड जज रंजन गोगोई देखंतु 5 जणिया खंडपीठ रे ए डिसीजन निया जाय थिला तो ए जो 5 जणिया खंडपीठ रे मेन चीफ जस्टिस सेतबेले रंजन गोगोई थिले तांको सहित डीवाई चंद्रचूड शरद अरविंद जदी देखिया बोबड़े एंड जज अशोक भूषण जज अब्दुल नाजीर जोटी आपण माने समस्त जानिथिबे मुस्लिम जज भी जणे थिले जज अब्दुल नाजीर जज अशोक भूषण शारदा अरविंद बोबड़े डी वाई चंद्रचूड जज रंजन गोगोई 5 जणिया खंडपीठ पूरा टोटल आमे कहि परिए लास्ट वर्डिक्ट दैथिले ये फाइनल वर्डिक्ट कि मंदिर एठी ही बसिवो इन द जजमेंट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट हाउ मेनी एकर्स लैंड वेज गिवन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्क देखो जो विवादीय जगह पे बाबिर मस्जिद को डिमोलिश करा गला जेतु हमर सेक्युलर कंट्री तो सही विवादीय जगह को माने आमे ओबवियसली अगुरु जदि सुनी वाकवा बोर्ड जो आमे कहि परिया मुस्लिम को हाथ रे थिला जगह जेहेतु केस परे परे सुनबाई परे परे ओबवियसली आमो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दिया गला तांको प्रतिबदल तांको 5 एकर रो जगह दिया जाय छि जोटा कि से आगु दिन रे आमे कहि परिबा मंदिर तो नुह सरी आमे कहि परिया मस्जिद बनेबे फाइनल जजमेंट डिलीवर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द लैंड टू बी हैंडेड ओवर टू द ट्रस्ट टू बिल्ड राम टेम्पल इट ऑल्सो ऑर्डर द गवर्नमेंट टू गिव 5 एकर लैंड इनसाइड अयोध्या सिटी लिमिट्स टू उत्तर प्रदेश सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग ए मस्जिद जो मस्जिद रो प्रपोज्ड कराई छि एबले किछि होबो ओबवियसली से अयोध्या रे 5 एकर लैंड व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स फाइनल वर्डिक्ट टू अयोध्या डिस्प्यूट अयोध्या डिस्प्यूट रो फाइनल वर्डिक्ट केबे दिया जायतिला कि नाही एठी ही मंदिर बनि समस्ते मन रखु से इतिहास थिला 9 नवेम्बर 2019 लीड बाई मुझे कही सरी आम कहपर जस्टिस रंजन गोगोई एंड सहित जो 4 जन खंडपीठ थे टोटाल 5 जन खंडपीठ 9 नवेम्बर 2019 द कोर्ट्स आर ऑर्डर द गवर्नमेंट टू क्रिएट ए ट्रस्ट टू बिल्ड द राम जन्मभूमि टेम्पल ऑन द 2.77 एकर ऑफ लैंड रे बनेया पई दिया जायछि जोटे कि मेन डिस्प्यूटेड एरिया थिला हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ राम मंदिर आमे कहि परे अयोध्या राम मंदिर स्टार्टिंग रु हम कहितली चंद्रकांत सोमपुरा जे कि आमे कहि परबा इनिशियली जतबेले चली भी थिला ना ए सब लड़ई तो ए 161 फीट रो मंदिर 235 फीट रो वाइड 360 फुट रो लंबो इट वाज बिल्ड विदाउट स्टील एंड आयरन हजार वर्ष रो अधिक रहिबार मंदिर रो कराय छि फाउंडेशन जबरदस्त कराय छि ये ही हो सुंदे आमे कहि परबा से भव्य मनीष भगवान ओबवियसली आमे जदि देखिबा कृपा दृष्टि थिला जोंथिरे कि पूरा टोटल टेम्पल आर्किटेक्चर टेम्पल डिजाइन एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से डिजाइन करके देथिले एंड सेही अनुसार ही मंदिर होउछि व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम मंदिर लेड देखो আজি 22 জানুয়ারি আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল বট যেতবে ফাউন্ডেশন যে ঘর শুভ পড়ে যেভাবে তো ইয়ে আপনার 2020 মাইন্ডে রাখুন 5 অগস্ট 2020 তিন দিনের পুরা টোটাল জবরদস্ত আমি কইবে সেরিমনি হইছিল 40 কেজি র ওবিয়াসলি সিলভার ব্রিক্স
as the foundation stone by Prime Minister Narendra Modi on the day before 4th August, the Ramcharan Puja. So basically, 5 August 2020 re आमे कोई परिया फाउंडेशन दिया जाय थिला जोटा को आमे कहचे फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम मंदिर 2024 अगस्त रे बसी थिला. व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर. ए राम मंदिर कंस्ट्रक्शन ने आमे जदी देखिबा को ट्रस्ट करछि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट. ओके तो ये भलो से मने रखंतु जांकर लोगो ई भले आसुछि. ओके ये 2000 तीर्थ क्षेत्र फेब्रुवारी 2020 रे एस्टेब्लिशमेंट करा गला विथ कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनेजिंग द टेम्पल इन अयोध्या सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट द ट्रस्ट हैज कलेक्टेड 3500 करोर इन डोनेशन. एंड आपण माने जदी चाहुसुंदी केते टंका रे मंदिर हेइची एंड वर्तमान सुधा केते टंका खर्च हेइची सोदी तार जानिबार अछि वीडियो मो डिटेल्स रे आपण को जणाई देबी. व्हाट इज द नेम ऑफ द होली रिवर. ऑलरेडी आमे डिस्कशन करि सारी छे अयोध्या सरायु नदी कूल रे अवस्थित. सरायु इज राइट आंसर. मेन रिवर आमे ताकु नै था अयोध्या रो आउ अयोध्या को नै की भलो समय रखंतु 30 डिसेंबर रे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान टाइम रे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड आमे जदि देखिया जबा अयोध्या धाम जंक्शन अयोध्या धाम जंक्शन आकु भी आमे कहि परबा रेलवे स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट करा जाय छी रेलवे स्टेशन ओबियसली आमे कहि परबा अयोध्या धाम जंक्शन एंड महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट. रामंक विषय रे किछि मु तो माने कहिबा बोले किछि भी न बट रामंक विषय रे आपन को पई किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर प्रोवाइड कर देली. समस्ते शेयर कर दियंतु जो माने समस्ते भारत प्रत्येक माने कोण अनुकोण रे आमर समस्त पाखे खबर रहिबा दरकार जानिबा दरकार आम इतिहास आम स्ट्रगल एंड आम कहीपर आम विजय सब जाणी रखा दरकार. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास देखा हाँ से पर्यटन धन्यवाद. जय हिंद जय श्री.